क्लास नाइन्थ। आज की आपकी डायरी है क्वेश्चन नंबर 5 to 8, एक्सरसाइज 5.4 है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फैक्टराइज बाय फैक्टराइज द पॉलीनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। ये पॉलीनोमियल गिवन है, इसको आपने जैसे कल किया था वैसे ही फैक्टर थ्योरम की मदद से आप इसको प्रूव करना है। कांस्टेंट टर्म आपके पास दी हुई है, लास्ट वाली क्लास में बताया -1। इसके फैक्टर देखें तो इसको डिवाइड करते होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट प्लस -1, तो 1 इसको 1 को डिवाइड करते हैं, प्योर टर्म नहीं कर सकती। लीडिंग कोएफिशिएंट होता है जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है उसका कोएफिशिएंट, तो हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है, इसका कोएफिशिएंट है 2, उसको q से शो करेंगे इज इक्वल टू 2। फैक्टर्स ऑफ 2 के क्या फैक्टर बनेंगे +1 +-2। अब p ओवर q रेशनल नंबर बन जाएगा, p ओवर q, p ओवर q इज इक्वल टू p ओवर q के फैक्टर होंगे प्लस, इसको डिवाइड करेंगे p को q से, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 ओवर 2, 2 को करेंगे तो 1/2, तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर बन गए। अब यहां पे देखें तो px इन पॉलीनोमियल ऑफ x, ये पॉलीनोमियल गिवन है, दी गिवन है, इसमें आप पहले को करेंगे, पहले हम लिखते हैं x इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू x x इक्वल टू 1 आएगा इन गिवन पॉलीनोमियल, तो x 1 प्रूव करते हैं, तो यहां जब 1 प्रूव किया तो इसका आंसर 0, यानी कि यहां पे 1 2 आ जाएगा, यहां पे भी x होगा, बाहर में हम 1 प्रूव कर देंगे, 1 2 1 स्क्वायर यहां पे 1 का टर्म्स ऐसे, तो 1 का 2 1 का 2 1 का 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 का माइनस 2 और माइनस 1 का, तो ये प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसिल, 1 का माइनस 1 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन आंसर 0 आ गया है, तो x इक्वल टू मीन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। अब वो माइनस 1 x पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन गिवन पॉलीनोमियल, तो माइनस 1 पुट करते हैं, तो माइनस 1 पुट करने से भी देखें तो माइनस 1 का क्यूब माइनस आएगा, माइनस 2 आ जाएगा, यहां पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 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 ये होता है माइनस 1 प्लस 2 और यहां पे माइनस, ये भी प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, आंसर आपका 0। अगर आंसर 0 आ जाए तो किसका फैक्टर होगा, ये इज मीन x प्लस 1 या इज आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। अब हम करते हैं 1 ओवर 2, ये आपके पास था 1 ओवर 2, तो देखिए 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी x होगा, वहां पे 1 ओवर 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 का क्यूब के बाद ऊपर 8 आ जाएगा, 1 ओवर 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4, 2 2 से कैंसिल माइनस 1 और यहां पे भी माइनस 1। अब 2 4 जा 8, यहां पे प्लस का 1 ओवर 4, यहां पे प्लस का 1 ओवर 4, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 प्लस 1 2 4 जा 8 ये आया -6 4, इसका आंसर आ गया -3 2। देखिए तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉन जीरो है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा, पर मैंने लिख भी दिया है 2x 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। अब हम प्रूव करते हैं -1/2, x की वैल्यू -1/2 रखी, मींस ये 2x प्लस 1 फैक्टर बनेगा, जहां पे भी x होगा वहां पे -1/2 पुट करेंगे, देखिए 1/2 1/8 आ जाएगा, 1/2 प्लस का 1/4 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 तो -1 ये ऑलरेडी -1 था आपके पास, यहां पे भी 2 4 4 8 -1/4 +1/4 1 -1, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, इसका भी आंसर 0 आ गया, तो इसका भी आंसर था, इसमें 2x प्लस 1 भी फैक्टर है गिवन पॉलीनोमियल का, तो ये तीन ही फैक्टर होंगे हमारे पास, ये तो भी पॉलीनोमियल है, तीन फैक्टर से फाइंड करने के बाद हमने कर लिए, तो लिखेंगे ज्यादा फैक्टर्स आप जो टर्म दी है rx minus 1 x plus 1 and 2x plus 1, तो 5 to 8 आपकी आज की डायरी, अच्छे तरीके से बाकी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने